paint where you train and paint the champion. So wo teen team the. इज ए कॉन्टीन्यूटी ऑफ ओलंपिक डे 2020, क्योंकि स्मृतबाग कोरोना की बना पर जो फील्ड एक्टिविटीज़ नहीं थी, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो सकी, तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो प्रोग्राम इसमें करवाया उसमें एक पेंटिंग कंपटीशन था विद 3-4 थीम्स और 3 कैटेगरीज में। उसमें पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स के बच्चों को ये भिजवाया गया, जिसमें से 240 बच्चों ने हिस्सा लिया, 240। उसका हमने एक माह पहले एक जजमेंट करवाई, जिसमें हमारे जो आर्टिस्ट थे वो और हमारे कल्चर कमीशन के मेंबर्स ने उसको जज किया, और उसके बाद 58 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए। आज जो ये आप दे रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें 58 जो हैं वो पेंटिंग्स हैं जो शॉर्टलिस्टेड हैं। आज तीनों कैटेगरीज की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन है उसको डिटरमिन करेंगे। जो टीम इस वक्त जज कर रही है उसमें कामरान लशारी साहब हैं जो पीओ कल्चर कमीशन के हेड हैं, उनके साथ गुलाम मोहम्मद साहब हैं जो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आर्ट्स के टीचर हैं, इसी तरह उनके साथ अहमर मलिक हैं कल्चर कमीशन के। जो 9 बच्चे फाइनली 3 कैटेगरीज में होंगे उसके लिए हम बहुत अच्छी एक तकरीब का अहतमाम करेंगे, जिसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन उनको अच्छा फाइनेंशियल और दूसरा अवार्ड ज़रूर देंगे, ताकि ये जो इवेंट है ये हम हमेशा इंशाल्लाह एनुअल लेवल पे भी करवाया करेंगे, और बच्चों की प्रोजेक्शन के लिए हम बहुत अच्छा इवेंट 15 या 20 दिन बाद करवाएँ। सो बेसिकली एक तो क्योंकि हमने 3 थीम्स दिए हुए थे, तो उन्हीं थीम्स के हिसाब से एक पेंट योर गेम, पेंट वेयर यू ट्रेन एंड पेंट द चैम्पियन, सो वो 3 थीम थे। तो बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी थीम के साथ रेलिवेंस, नीटनेस एंड हाउ वेल दे हैव यू नो कम अप एंड हाउ पैशनेट द आर्ट वर्क इज, वो ही क्राइटेरिया है एंड द जजेस आर मार्किंग इट।
ओलंपिक्स में जो कल्चर और हेरिटेज है उसको भी शामिल किया जाए, और पेंटिंग ज़ाहिर है एक बड़ा क्रिएटिव आर्ट है, तो इसमें जितने बच्चों ने हिस्सा लिया है और अपने जहन की तख्लीक से, सोच से इतना अच्छा स्पोर्ट्स की थीम को रखते हुए काम किया है, वो देख कर वाकई बहुत खुशी हुई है, और उनकी दिलचस्पी, उनकी महारत और जोश वलवला ये चीज़ें शो करती है कि हम एक ज़िंदा और बड़ी पुरजोश कौम हैं, और सो ऐसे बच्चों से हमारा फ्यूचर जो है इंशाल्लाह रोशन है स्पोर्ट्स का।